हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी साइड कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग की। तो मेरे कई व्यूवर्स और सब्सक्राइबर का ये कहना है कि वो उनको अच्छे से समझ नहीं आई, तो उनकी रिक्वेस्ट है कि मैं इस कुर्ती की कटिंग दोबारा से अच्छे से बताऊं। और मुझे भी लगा कि मैं शायद इतने अच्छे से नहीं बता पाई जितने अच्छे से मुझे बताना चाहिए था, तो इसलिए मैं ये वीडियो उनके लिए दोबारा से बना रही हूँ। और इसकी कटिंग मैं कोशिश करती हूँ बहुत अच्छे से बताऊंगी, और इसकी कटिंग मैं आपको प्लेन कपड़े के ऊपर बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इस कुर्ती की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए हमें इसमें थोड़ा ज़्यादा कपड़ा चाहिए। इसमें हमें कम से कम 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए, और अगर आप हेल्दी हैं तो आपको 2.5 मीटर से भी ज़्यादा कपड़े की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। बेटर होगा कि आप 2.5 मीटर से भी थोड़ा ज़्यादा कपड़ा रखें। तो सबसे पहले हम अपने कपड़े को खोल लेते हैं, और इसमें हम अपनी नाप के अकॉर्डिंग लंबाई और अपनी नाप के अकॉर्डिंग पीछे का पीस निकाल लेते हैं, क्योंकि पीछे के पीस के अकॉर्डिंग ही हम आगे के पीस की कटिंग करेंगे। इस तरह से एक साइड से जितने हमारे सूट की चौड़ाई है उतना हमें फोल्ड करके एक साइड से अपना ये पीछे का पीस निकाल लेना है, और लेंथ हमें उतनी रखनी है जितनी हमारी तैयार लेंथ है। उससे 2.5 से 3 इंच हम ज़्यादा रखेंगे, आप 2.5 इंच ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि नीचे हमें तुरपाई नहीं करनी है, इसमें सिलाई लगानी है। जैसा कि आपको पता है कि हम जो अपने सूट की चौड़ाई लेते हैं वो हिप का 1/4 भाग प्लस 2 इंच लेते हैं, इस तरह से डबल करके। जैसे हमारे 36 इंच है तो उसका 1/4 भाग हुआ 9 इंच, उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो होगा 11 इंच, तो ये मैंने 11 इंच रखा हुआ है। और इसमें हम जो अपना शोल्डर यानी तीरा लेंगे वो आप लें कम से कम 7 इंच उसको रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये मैं 7 इंच ले रही हूँ, क्योंकि इसमें हम अपने नेक की गहराई आगे से भी और पीछे से भी थोड़ी कम रखेंगे, वो इसमें ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके बाद 34 चेस्ट के हिसाब से हम अपना आर्म होल लेते हैं, वो हमें 7 इंच लेना है, और यहीं से हम 34 हमारी चेस्ट है तो उसका 1/4 भाग हुआ 8.5 इंच, तो ये हम 8.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ से अपनी कमर के लिए निशान लगाएंगे, वो आप 7.5 या 7 इंच पर लगा सकते हैं, तो ये निशान मैं 7 इंच पर लगा रही हूँ। और यहीं से जहाँ पर हम अपने चाक छोड़ते हैं यानी जो हम हिप का निशान लगाएंगे वो आप 13 इंच से 14 या 14.5 इंच तक लगा सकते हैं, तो ये मैं 14 इंच पर लगा रही हूँ। यहाँ पर हम इस तरह से इनके सामने लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पर हमारी चेस्ट का निशान है तो यहाँ पर भी ये लाइन हम सीधी खींच लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ से 1 से 1.5 इंच आप इस पर निशान लगाएं, आप 1 इंच भी निशान लगा सकते हैं और 1.5 इंच पर भी, और अपने आर्म होल को हम इस तरह से गोलाई देंगे। इसके बाद जो हमने अपनी कमर के लिए निशान लगाया है वहाँ पर कमर का 1/4 भाग लगाएंगे, कमर 32 है तो 1/4 भाग हुआ 8 इंच, तो ये निशान हम 8 इंच पर लगाएंगे। जो हिप के लिए निशान लगाया है वहाँ पर हिप का 1/4 भाग लगाएंगे, हिप 36 है तो उसका 1/4 भाग हुआ 9 इंच, ये निशान हम 9 इंच पर लगाएंगे। और इसके बाद हम इन निशानों को मिला देंगे। इसके बाद ये हमारा सिलाई का निशान है, 1.5 से 2 इंच हम कटिंग के लिए रखेंगे। और जो हमारा चाक के लिए निशान है यहाँ पर केवल हम 1 इंच रखेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ से हमारे चाक मुड़ेंगे, और इन निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद हम नेक की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे, तो नेक अगर आप 2.5 इंच रखना चाहते हैं तो 2.5 इंच पर निशान लगाइए, और 3 इंच रखना चाहते हैं तो 3 इंच पर निशान लगाइए, ये निशान मैं 3 इंच पर लगा रही हूँ। और यहाँ पर हम इस तरह से करके एक कट लगा देंगे। और इसके बाद जो हमारा ये नेक के लिए कट है यहाँ से हम हल्का सा आर्म होल की साइड ये डाउन करके एक निशान लगाएंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं जो हमारे कटिंग के निशान है। इसके बाद हम अपने पीछे के पीस को खोल लेते हैं, और जो हमने ये नेक की चौड़ाई के लिए निशान लगाए हैं जो हमारा ये इधर निशान है
इस पर हम यहाँ से करीब 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपका ये तीरा छोटा है और आपके इधर ये जगह कम है, यहाँ से नेक से इधर जगह कम है, तो ये सपोज करिए आपकी ये जगह 2 इंच है या 2.5 इंच है, तो नेक से आप करीब 1 इंच पर ये निशान लगा लें। जो हमने ये 1.5 इंच पर निशान लगाया है वहाँ पर हम एक कट लगा लेते हैं। जो हमने 1.5 इंच पर कट लगाया है इसको हम इस तरह से फोल्ड करते हैं, बिल्कुल सीधा हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आप इस पर निशान लगा लें और इस पर प्रेस कर लें ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये हमारा निशान यहाँ पर है। मैंने इसके ऊपर प्रेस करके ये क्रीज बना ली है और इसके बाद हम इसको इस तरह से खोल लेते हैं और आप चाहें तो इस क्रीज के ऊपर इस तरह से आप निशान लगा सकते हैं, स्केल से भी आप ये निशान लगा सकते हैं। आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, जब भी आप ये निशान लगाएं तो ये निशान आप उल्टी साइड लगाएं और जो हमारी बाहर साइड होगी वो सीधी होगी। और इस निशान को लगाने का सबसे बड़ा एक पर्पज है, जो हम आगे के पीस निकालेंगे, एक पीस तो हमारा इतना निकलेगा इस लाइन से इधर और एक पीस हमारा इतना बड़ा निकलेगा इस लाइन से इधर का। अब हमारा साइड में से जो कपड़ा बचता है, ये पीछे के पीस की कटिंग करने के बाद हमारा साइड में से बचा हुआ कपड़ा है, तो आप इस तरह से रख के देख लें, अगर आपका ये चौड़ा हिस्सा इसमें से निकल रहा है तो आप अपना चौड़ा हिस्सा इसमें से निकाल लें, और अगर आपका ये चौड़े वाला हिस्सा इसमें से नहीं निकल पा रहा है तो ये छोटा हिस्सा आपका इसमें से आराम से निकल जाएगा। अगर आप हेल्दी हैं तो हो सकता है ये वाला हिस्सा आपका साइड में से ना निकले। और इसको रख के आप ये जरूर देख लें कि 1.5 इंच हमारी इस तरह से पट्टी मुड़ जानी चाहिए और तब हमारा ये पीस निकल जाना चाहिए। आप ऐसे रख के देख लें इसको, तो इसमें से आराम से निकल रहा है। तो हम अपनी किनारे की साइड से 1.5 इंच पट्टी इस तरह से फोल्ड करते हैं, हमारा ये जो निशान है इसके ऊपर इस तरह से इसको रखते हुए बिल्कुल सीधी हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे इसके सामने, और आप इसके ऊपर भी प्रेस कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये पट्टी मोड़ने के बाद आप चाहें तो इसके ऊपर कच्चा कर सकते हैं अगर आपके पास पिन वगैरह नहीं है। और एक तरीका और है, आप इसको बिल्कुल इस तरह से ऐसे रखिए और इस पीस के अकॉर्डिंग आप पीछे की कटिंग कर लें, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है हमारा ये नीचे का हिस्सा नहीं कटना चाहिए। और अगर आप इसमें कच्चा कर लें या पिन लगा लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, जैसे ये हमारा उल्टा हिस्सा है नीचे के सूट का और पीछे की साइड इसका सीधा हिस्सा है, इसमें ऐसे ही हमारा ऊपर की साइड सीधा हिस्सा होना चाहिए और अंदर की साइड इसमें उल्टा हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि पहनने के बाद ये हमारा लेफ्ट साइड आना चाहिए ये हिस्सा, तो लेफ्ट साइड ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे तो आपका राइट साइड भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहनने के बाद लेफ्ट साइड में आए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं इसमें पिन लगा लेती हूँ पूरी पट्टी में। मैंने इसके ऊपर पिन लगा ली है, और एक बार मैं आपको और बता रही हूँ, मेरा कहने का मतलब है ये भी बाहर की साइड हमारे दोनों सीधे हिस्से होने चाहिए, ये भी सीधा हिस्सा होना चाहिए, ये भी सीधा हिस्सा होना चाहिए, और अंदर की साइड दोनों उल्टे हिस्से होने चाहिए। इसके बाद हम धीरे से इसको पलट लेते हैं और पलट कर इसको हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। पलटने के बाद हम इसको बिल्कुल सीधा कर लेते हैं ताकि इसमें कहीं पर सलवटे वगैरह ना रहे। और ये हमारा देखिए ये आर्म होल है और ये हमारी नीचे तक कटिंग है, और इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस साइड के पीस की। और नीचे से भी हम जितनी इसकी लेंथ है उसी हिसाब से इसकी कटिंग कर लेते हैं। करने के बाद हम इसको पलट लेते हैं और देखिए हमारे इस साइड के हिस्से की कटिंग हो गई है, और अब हमें जो दूसरे हिस्से की कटिंग करनी है वो इतनी करनी है, उसमें भी हमें 1.5 इंच की पट्टी इसी तरह से मोड़नी है। और पहले हम जो हमारी जो 1.5 इंच की पट्टी फोल्ड हुई है यहाँ पर एक कट लगा देते हैं, जिससे हमें आइडिया रहेगा कि यहाँ तक हमें फोल्ड करना है, और इसी तरह से हम नीचे भी इसमें कट लगा देते हैं और अपने पिन निकाल लेते हैं। अब हम अपने इस हिस्से को हटा लेते हैं और इसके बाद इधर के हिस्से की हमारी कटिंग हो चुकी है, और अब हम इस लाइन से इधर के हिस्से की कटिंग करेंगे। इसके बाद जो हमारा नीचे कपड़ा बचता है उसमें से भी हम 1.5 इंच की पट्टी इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर रखेंगे इस तरह से,
और इसके ऊपर भी आप प्रेस कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिल्कुल इस लाइन के इस तरह से मिला के। मैंने इसके ऊपर प्रेस कर लिया है, और अगर आपके पास पिन नहीं है तो इस साइड भी आप कच्चा करके इसके कटिंग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं इसमें पिन लगा रही हूँ नीचे तक। इसके बाद हम इसको भी धीरे से पलट लेते हैं, इस तरह से पलट के सीधा कर लेते हैं इसको। पलटने के बाद हम इसको भी बिल्कुल सीधा कर लेते हैं ताकि इसमें कहीं पर सलवटे वगैरह ना हो। और आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा पीछे का हिस्सा है और अब हमें इसी के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है। मैं आपको थोड़ा सा निशान लगा के दिखा रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाए, ये हमारा पीछे का हिस्सा है। और इसके बाद हम इसकी भी कटिंग कर देते हैं। कटिंग करने के बाद हम इसको भी सीधा कर लेते हैं और इसके पिन निकाल लेते हैं, और इस पट्टी में भी दोनों साइड कट लगा देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। जैसा मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इधर से हमारा सीधा हिस्सा है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। और ये जो हमारी पट्टी फोल्ड हो रही है, ये हमारी उल्टी फोल्ड हो रही है। हमें इसको जब सिलाई हम इसकी करेंगे तो अंदर की साइड को इस तरह से फोल्ड करना है दोनों पट्टियों को। और मैं ये पट्टी फोल्ड करनी आपको बता रही हूँ हमें कैसे फोल्ड करनी है। और जो स्लीव्स की हम कटिंग करेंगे वो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, जैसे आपको स्लीव्स का डिज़ाइन लगाना है उसके हिसाब से आप उसकी कटिंग कर सकते हैं। और आगे के आर्म होल को आप गहराई दें जैसे हम अपनी सभी कुर्तियों में देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये हमारा सीधा हिस्सा है, ये पट्टी हमारी इस तरह से फोल्ड है, तो ये उल्टी साइड को फोल्ड है। इसको हमें अंदर की साइड को फोल्ड करना है, तो ये जो हमारा चौड़े वाला हिस्सा है इस पर हमें जहाँ तक हमारा कट है वहाँ तक पूरी पट्टी को हमें फोल्ड करना है। थोड़ा सा हम पहले ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, फिर ऐसे जो हमारा ये कट लगा हुआ है इसको हमें पूरा इस कट तक फोल्ड करना है नीचे तक। बिल्कुल इसी क्रीज पर हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है जो हमने क्रीज बनाई हुई है यहाँ से, और बिल्कुल नीचे तक हमें इसे इसी तरह से फोल्ड करना है। ये हमारा पीछे का हिस्सा है, और आगे के हिस्से की हमने जो पट्टी फोल्ड की है चौड़े वाले हिस्से की, ये देखिए बिल्कुल इस पट्टी के बराबर हमने फोल्ड की है, यानी जितनी पट्टी हमने क्रीज बनाकर फोल्ड की थी वो पूरी की पूरी हमने अंदर की साइड को फोल्ड की है। इसके बाद ये हमारा लेफ्ट साइड का हिस्सा है, जैसा मैंने बताया ये पट्टी हमें अंदर को फोल्ड करनी है इस तरह से। तो ये पट्टी हमें पूरी फोल्ड नहीं करनी है जहाँ तक हमारा कट है, ये देखिए इसमें इस तरह से आएगी, ये इसके नीचे आएगी इस तरह से, ऐसे ये इसके नीचे दब जाएगी यहाँ से, ऐसे आएगी। तो हम इसे थोड़ी कम फोल्ड कर लेते हैं, और वैसे इसमें किनारी है, अगर आप इसको फोल्ड नहीं भी करना चाहोगे तो भी चल जाएगा। हम इस पर इस तरह से रखकर जो हमारी ये सिलाई है यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, इस सिलाई के ऊपर, यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी है जो हमने यहाँ पर ये फोल्ड करके सिलाई लगाई है, यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और नीचे की पट्टी भी इस पट्टी के नीचे दबा देंगे। तो अगर आपकी इधर किनारी नहीं है तो आप बेशक इसको थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड कर लें, लेकिन इसमें किनारियाँ मैं फोल्ड नहीं कर रही हूँ। इस क्रीज के ऊपर जो हमारी ये जहाँ तक ये पट्टी, देखिए यहाँ तक ये पट्टी पर हमारी क्रीज है, बिल्कुल इस पर इस पट्टी को ऐसे रखना है, और इस तरह से पीछे का हिस्सा हम हटा लेंगे। इस तरह से रखते हुए इसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है, और जितना हमें नीचे से ओपन रखना है, करीब आप 13.5 इंच रख लें नीचे से ओपन, यहाँ से यहाँ तक आप 13.5 इंच पर निशान लगा लें इस तरह से, क्योंकि नीचे से हमारा 1 से 1.5 इंच, करीब 1.5 इंच हमारा मुड़ने में भी आएगा। आप 14 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं, बिल्कुल सीधा यहाँ निशान लगा लें। तो जब हम ये सिलाई लगाएंगे यहाँ पर, इस तरह से हम सिलाई लगा के इसको छोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक 2 बार सिलाई लगा लेंगे ताकि ये पक्की हो जाए। इस क्रीज के ऊपर इस तरह से ये पट्टी बिल्कुल इसके ऊपर आनी चाहिए एकदम सीधी, और इस सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। और थोड़ा सा ये ध्यान भी रखना है कि ये पट्टी हमारी सिलाई में दब भी रही है नहीं, वैसे ये पट्टी हमारी आराम से दब जा रही है जो हमने निशान लगाया है। यहाँ पर हम इसको इस तरह से इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे और इसको 2 बार हम पक्का कर देंगे।
देखिए ये पट्टी हमारी यहाँ से इस तरह से है, तो जब हम इस पर बटन लगाएंगे, बटन आप पूरी कुर्ती कंप्लीट करने के बाद लगाएं, वो मैं आपको लगाना बता रही हूँ। जैसे हम यहाँ पर बटन लगाएंगे तो ये पट्टी बटन के साथ हमारी पट्टी नीचे तक अटैच हो जाएगी, तो बीच बीच में जब हम बटन लगाएंगे तो यहाँ से भी सिल जाएगी और नीचे से जो हमारा ओपन हिस्सा है वो इस तरह से रहेगा। और यहाँ पर भी आप बटन लगा सकते हैं ऊपर से। और जैसा मैंने आपको बताया है, इसमें हम राउंड नेक बनाए और अगर उसको थोड़ा छोटा बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लुक देगा। तो आप कम से कम इतनी उसकी आप गहराई रखें ताकि हमारे सिर में आसानी से आ जाए। तो आप पीछे से भी 4.5 से 5 इंच की गहराई रख लें और आगे से भी, तो हमारे सिर में आसानी से आ जाएगा। वैसे तो मैंने अपनी कुर्ती की जो वीडियो डाली है उसमें मैंने हाथ से बनाकर बटन लगाए हैं, लेकिन मैं आपको ये फैंसी बटन लगाकर दिखा रही हूँ। और आपको ये बटन कुर्ती कंप्लीट करने के बाद लगाना है, मैं आपको केवल लगाना बता रही हूँ। जैसे हमें यहाँ पर बटन लगाना है तो पहले हम नीचे से सुई में हम डबल धागा डालते हैं, इस तरह से हम पक्का कर लेंगे एक दो बार, और यहीं पर हम सुई निकालते हैं। ये दोनों हिस्से आपस में जुड़ जाएंगे। और इसको इस तरह से हम फिर वापस नीचे निकालते हैं। ये आराम से इस तरह से भी लग जाएगा। ऐसे हम इसके बीच में से निकालते हैं, फिर नीचे निकालते हैं। इसको हम 3-4 बार इसी तरह से पक्का कर लेंगे और नीचे ले जाकर इसको हम पक्का करके धागा काट लेते हैं। तो इस तरह से ये पट्टी हमारी आपस में जुड़ जाएगी और नीचे तक हमें ये बराबर बराबर दूरी पर जितने बटन लगाने हैं उतने बटन हम लगा लेंगे। देखिए ये मैंने इससे पहले जो वीडियो डाली है ये वो वाली कुर्ती है, और बाकी सारी कुर्ती बिल्कुल सिंपल तरीके से इसकी सिलाई है। सिंपल तरीके से जैसे हम कुर्ती सिलते हैं, ये इसके चाक हैं और नीचे से भी बिल्कुल सिंपल तरीके से सिली हुई है। यहाँ से ये ओपन है और यहाँ पर मैंने बटन लगा दिए हैं, और इसका नेक आप देख रहे हैं काफ़ी छोटा है, और आगे और पीछे से बिल्कुल सेम है ताकि हमारे सिर में आसानी से आ जाए। तो 5.5 से 4 इंच आप इसकी लेंथ रख सकते हैं नेक की। और अगर आप इस कुर्ती को देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको ज़रूर समझ आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।